सिंध हुकूमत के बाद दीगर सूबे भी आड़े आ गए। सूबाई हुकूमतों का फाटा के लिए अपना हिस्सा देने से इनकार। फाटा के फंड्स विफाक खुद कोई तरीका तलाश करे। सूबाई हुकूमतों ने विफाकी वजीर खजाना को बता दिया। एफबीआर की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। इसी पर तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक बोतला से। फारूक बताइएगा, मसले का कुछ हल निकल सका? जी, मालियाती कमीशन का ये इजलास था, पांचवा इजलास, जो कि विफाकी वजीर खजाना असद उमर की सरबराही में हुआ। इसके दौरान जो है विफाक की जानिब से सूबाई हुकूमतों पर फाटा के लिए बोझ डालने की कोशिश जो की गई थी, उस हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों ने जराय के मुताबिक मुतफिका तौर पर फाटा का जो हिस्सा है वो देने से इनकार कर दिया है। और विफाक को यही इजमाही तौर पर पैगाम दिया गया कि फाटा के लिए जितने भी वसाइल दरकार हैं और जितने भी फंड मतलूब हैं उस पर तखमीना लगाकर विफाक खुद इस मसले का हल तलाश करे और फंड जो है वो मैनेज करे, जबकि सूबाई हुकूमतों पर फाटा का बोझ ना डाला जाए। ऐसा तराय का कहना है जो कि इजलास के अंदर मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई है। उनके मुताबिक जो है तमाम सूबों ने अपने अपने हवाले से भी तशवीश का इजहार किया। खासतौर पर एफ बी आर का जो महसूलात का सिस्टम है और उसको रिटर्न करने के हवाले से तमाम सूबों ने तशवीश का इजहार किया है कि तमाम सूबों को विफाक की जानिब से, विफाकी इदारे एफ बी आर की जानिब से जो महसूलात फराहम किए जाते हैं ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, जिसके हवाले से उनकी तशवीश का इजाला किया जाए। इसके साथ सूबाई हुकूमतों की जानिब से फाटा के लिए अपना हिस्सा देने से इनकार सामने आया है। फारूक बोतला, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि इस मौका पर विफाकी वजीर खजाना असद उमर का क्या कहना था, आपको वो भी सुनवाते हैं। रेवेन्यू के शेयर के मुताबिक शेयर मिलता है पंजाब का। हाँ, रेवेन्यू में पाकिस्तान में हमेशा ज़्यादातर ये होता रहता है, टारगेट पे ज़्यादा होता है और कलेक्शन उससे ज़रा कम होती है, तो जो शुरू में जितना टारगेट होता है रेवेन्यू शेयरिंग का उससे कम मिलता है, ये हकीकत है। लेकिन वो हर एक के लिए बराबरी की बुनियाद पर होता है, ऐसा नहीं कि किसी के एक किसी सूबे के खिलाफ ऐसा कुछ किया। सर, पंजाब का खजाना खाली है? सर, पाकिस्तान का खाली है, सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं। देखें, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी का सफर जो है वो शुरू, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है। अब देखें, अगली बड़ी खुशखबरी तो यही आ सकती है कि वो जो तेल ढूंढ रहे हैं अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सोने की तरह लेकिन उसके अलावा भी वो तो चलो वो तो अल्लाह ताला के फैसला है। सर, ये पिछले 6 माह के अंदर मैंने कम से कम 70 अरब रुपए का टैक्स का लॉस लिया है, इसीलिए कि पूरा जो बोझ है जो आलमी मंडी